ये यहाँ का ये वाला सबसे बड़ा डायनासोर है, जो कि इसकी मुंडी एंट्री ओनली 1 kg, बट इफ यू वांट द स्पेसिफिक गेम या ऑल दिस वन, बट इफ यू वांट द फुल पैकेज 7 kg ओनली। ओके ओए वन। और गाइस 360 व्यू लेने के लिए यार इसका भी 1 kg चार्ज है। तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मुझे आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ सालमिया, जो कि एक है, तो उसमें कुछ एडवेंचर है क्या है और कुछ चीज़ें हैं, तो मैं आज वहाँ पर आपको चलकर दिखाऊंगा। ओके, मैं जाने के लिए हमको चाहिए होगा 999 बस, जो कि सालमिया जाती है। वो 999 हमारी बस आ गई, 999। और गाइस, ये अलबुस्तान मॉल है, जो कि यार एक ये यहाँ कर बाहर की कुछ लोकेशन है इसकी, तो आप देख सकते हैं। और इसी के बाजू में यहाँ पर ये सुल्तान सेंटर है, तो यहाँ पर ये सुल्तान सेंटर के पास में अलबुस्तान मॉल है, तो इस पे चलकर देखते हैं क्या है अंदर में। ओके, और गाइस मैं अभी इस मॉल में पहुँच चुका हूँ, जो कि आप मेरे पीछे पीछे का अभी वो नज़ारा देख सकते हैं। ये एक छोटा सा मॉल है जिसका माहौल काफी खूबसूरत है। But there is T-Rex trains. We are adventure dinosaur ride scooter. This one. Mm. How many adults are going inside? I will go there. Only you. Mm. How much entry fees? Yeah, entry only 1 kg, but if you want the specific game, yeah, all this one. But if you want the full package, 7 kg only. Okay, only one, only. Only easy. Entrance? Yeah. So you have 30 minutes okay. to enjoy. Thank you. Thank you. एंट्रेंस से आप लोग आएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और ये जिस तरह अंडे में से बच्चा आता है और ये इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं। और इसमें अंदर में जाकर भी बच्चे खेलते हैं। अंदर में ऐसे रेलगाड़ी भी है, और ये काफ़ी छोटा सा एरिया है, और इसमें काफ़ी अच्छा खूबसूरत बना के रखे हैं। ये डायनासोर यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं यार, ये एकदम सॉफ्ट है, जैसे कि बहुत रबड़ होता है ना, रबड़, तो रबड़ के जैसा ये बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। दिखाता हूँ, आँखें भी ऐसा लगेगा, और ये देखो, और गाइस 360 व्यू लेने के लिए यार इसका भी 1 kg चार्ज है, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा इसमें व्यू आता है 360। तो इसमें खुद अपना, शायद ऐसा है, अपना फ़ोन खुद लगाइएगा और 360 व्यू लीजिएगा। और यहाँ पर छोटे से एरिया में कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए ये एरिया बना के रखे हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डायनासोर का एक कंकाल का बना के रखे हैं। यहाँ पर छोटा सा प्लेस में काफ़ी कुछ देखने को आपको मिलेगा। इस प्लेस में आने के लिए देखिएगा यार कितनी भीड़ है यहाँ पर, इसमें अंदर आने के लिए छोटा सा प्लेस है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है यहाँ पर ये, और कितना भीड़ है यहाँ पर उसमें अंदर आने के लिए। ये जो आप डायनासोर देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक डायनासोर हैं, जो कि जीते जागते मतलब कुछ काम कर रहे हैं, और देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जिंदा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डायनासोर है यहाँ पर ये करने का। और यार इसके अंदर में काफ़ी खूबसूरत अंदर का नज़ारा है, तो अभी थोड़ा बोले इसमें एक बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है अभी, तो बोलते 5 मिनट के बाद ख़त्म होएगा, तो उसके बाद मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा। तो यहाँ का ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है।
मैं इसमें अंदर आया हूँ तो ये अपने पहले परमिशन लिया था, तो उसके बाद तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसमें ऑलरेडी पहले ही एक ये यहाँ पर इस तरीके से जो अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले आते हैं पब्लिक के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पर टेबल वेबल लगा है, और यहाँ पर एक कुर्सी थी तो जहाँ पर बर्थडे भी बनाया था। और तो देख सकते हैं यार आप कितना प्यारा है यहाँ पर, ये अंदर में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, तो अगर आपको ये सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।